के निर्माताओं, आज हम लोग शिक्षक वृत्ति लिखित परीक्षा के जो एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ जीएस जीके और करंट विविध रीजनिंग कंप्यूटर उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक बेहतर सीरीज लेकर आए हैं, जहां पे हम आपके 50 नंबर की तैयारी इस वीडियो लेक्चर के साथ करेंगे। और आप केवल इस प्रश्न को पढ़िएगा ही नहीं, बल्कि जिसकी विस्तृत व्याख्या होगी उसे अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट, जिससे आपकी एक बेहतर नोट्स भी बन जाएगी और आप सिलेक्शन के धीरे धीरे करीब भी पहुंचेंगे। तो चलिए, आप सभी साथी जो भी साथी वीडियो को देख रहे थे वे कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं और इस वीडियो अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो लेकिन आपके सिलेक्शन से बड़ी नहीं है। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1921, 1916। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आभारत के इतिहास का सवाल है और आपके प्राय परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्राय सवाल भी आते हैं। तो बिना देरी किए मुझे लगता है कि आपको सीरीज की शुरुआत करनी चाहिए और पढ़ते भी रहना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि जो रेस के घोड़े हैं वो हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस आपके सिलेक्शन से है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर इस प्रश्न का हम सही उत्तर देखें तो यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन 1917 ये 32वां अधिवेशन था, यह 32वां अधिवेशन था। इसमें एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, तो यहां पर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस रिश को समझ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके पूछिएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग, हर्ष। ये थोड़ा सा सवाल है, कठिनाई स्तर इसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप लोग जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पे, चाहे से यूट्यूब पर, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे दंती दुर्ग, इसे हम दंती वर्मन के नाम से भी जानते हैं, याद रहे। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कहीं किताब में इसे दंती वर्मन, इसे दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, ठीक है, मतलब ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी था। मानखेत के जो राष्ट्रकूट थे उनके वंश का संस्थापक था। इनकी राजधानी गुलबर्ग क्षेत्र में थी, जो कर्नाटक में है। साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार देखा जाए तो हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ इन्होंने ही कराया था। ठीक है, चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्राय सवाल पूछा जाता है। जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें। सभी लोग, अरे सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो सवाल के जवाब जरूर देना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। देखिए, यहां पर आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर देखिए, यह राज्यारोहण है, राज्यारोहण है, लेकिन इसके 3 साल के बाद, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। ये प्राचीन इतिहास का ही सवाल है, लेकिन देखिए सवाल कितना ट्रेंडिंग है, यहां से परीक्षा में लोग कैसे गलती करते हैं ये आप लोग को बताना है। ठीक, जो कोई सवाल पूछ रहे हैं वो भैया वीडियो इसकी पड़ी हुई जाकर वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर इसकी वीडियो पड़ी हुई, जो टॉपिक पे बार बार कमेंट कर रहे हैं आप। देखिए, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? शाहिस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कॉमेंट करके। औरंगजेब ने किसको दी थी, जल्दी से बताइए कॉमेंट करके। अरे वीडियो को शेयर करिए, पैसा नहीं लगेगा। चलिए, यहां पर ध्यान देना होगा जहां आरा, आइए इसके बारे में जानते हैं। जहां आरा को शाहिबाद उज जमानी को उपाधि दी गई थी। आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी
वो अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बहन थी। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेच, रिजले बोड्रिक, एरुलेंड। बताइए प्लीज कमेंट करके, जितने भी साथ वीडियो को देख रहे हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। यार पैसे नहीं लगते आपके, चलिए आप जवाब नहीं देंगे सर। एंड्रूज फ्रेजर। देखिए एंड्रूज जो एंड्रूज हेडसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी उपाधि थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय कौन था? करजन। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, एवरग्रीन प्रश्न है, जहां से परीक्षा में सवाल आपके पूछे जाते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली, मथुरा, बरनाल, पटना। बताइए क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में, और बरेली जिले में एक स्थान है इज्जत नगर, यहीं पर है, और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्ययोजना कब लोकार्पित की गई? 2000, 2008, 2012, 2015। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्ययोजना 30 जून को आई थी, 30 जून 2008। और इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के जो बढ़ते दुष्प्रभाव को कम करना, मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका भी है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि बताइए। बताइए बताइए फटाफट कमेंट करके। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? देखिए भारतीय संविधान सभा की अगर देखा जाए तो कुल संविधान सभा के दौरान कुल 11 अधिवेशन हुआ था। कितने अधिवेशन? 11। यह प्रश्न पूछा जाता है, 11 अधिवेशन हुआ था। अगर 11वां पूछ लिया जाए, 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 11वां अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अंतिम तिथि थी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान इसी दिन अंगीकृत कर दिया गया था। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी की, इसके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी और यहीं पर सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। मैंने थोड़ा सा डीप में इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल प्रायः पूछे जाते हैं और हमने देखा कि लोग यहाँ से गलती कर जाते हैं, तो आप लोग गलती मत करिएगा क्योंकि सिलेक्शन के लिए तथ्यों को पढ़ना, जानना और उसके साथ साथ सरकारी नौकरी करना, ये चीज़ें हमारे और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे तथ्यों को आप भी पढ़ें, समझें और सिलेक्शन के नज़दीक चलें। चलिए चलते हैं, एक एक कदम और आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लगातार पढ़ाया है। अगर आप सीरीज को पढ़ रहे होंगे, अगर आपने कई बार पढ़ा होगा तो शायद इस प्रश्न का उत्तर आप का गलत ही नहीं होगा।
ठीक है, अगर आप लगातार इस सीरीज को पढ़ रहे होंगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता ऐसा प्रश्न, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके या वीडियो को शेयर कर दिए जो भी देख रहे हैं। पैसा नहीं कटेगा, डेली लाइफ चल रही है आपकी। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 530 सदस्य राज्य द्वारा चुनकर आते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, इसमें से 7 अकेले दिल्ली से चुनकर आते हैं। लेकिन अधिकतम की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, 2 एंग्लो इंडियन हो जाएंगे 15 और 7 अधिकतम, तो ये हो जाएगा केंद्र शासित 13, 7, 20, तो अधिकतम जो संख्या होगी वो 20 होगी। याद रहे संख्या का उत्तर 20। कैसे होगा मैं दोबारा समझाना चाहूंगा। देखिए 530, ये 530 सदस्य आपको तो दिख ही रहा है कि जनता द्वारा राज्य से चुनकर जाते हैं, प्लस 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश, 2 एंग्लो इंडियन जो भी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया, प्लस अधिकतम 7। जो अधिकतम है वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, मतलब 13 और 7, 20, अधिकतम इनकी संख्या कितनी होगी 20, जो केंद्र शासित प्रदेशों से जानते हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो दिल्ली, ठीक, इसमें भी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, दिल्ली, ठीक, क्लियर सबका? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जवाब, कोई डाउट? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। बहुत लोगों ने गलती किया, परीक्षा हॉल में गलती मत करिए। मैंने कई बार पढ़ाया है और लगातार अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा, नोट्स में पढ़ा होगा, तो आपको ये पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है, असंशोधित जन्म दर का, असंशोधित मृत्यु दर का, प्रवजन का, विवाह का? बताइए जल्दी से कमेंट करके किसका है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए असंशोधित जन्म दर का, असंशोधित मृत्यु दर का, बस मतलब जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन, मतलब किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से, यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। यह निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सूचक होते हैं, और जनसंख्या जो प्रकृति होती है ये जन्म दर और मृत्यु दर पर ही आधारित होती है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर ए और बी ही होगा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन लोगों के जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। क्लियर, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस नगर से नहीं गुजरेगा? ये यूपी स्पेशल का भी सवाल है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर देखा जाए लखनऊ से होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, लेकिन अभी अगर बात करें तो बस्ती जिला से नहीं जाती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। क्लियर, आगे देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा पठार है, कोकिनियो, एक्वेरियम, कोलोराडो, कोलंबिया? विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है तिब्बत का पठार है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तिब्बत का दुनिया का प्रथम। लेकिन इस विकल्प में अगर देखा जाए तो इस विकल्प के हिसाब से कोलोराडो का है, कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है, उसके बाद कोलंबिया है, कोकोनिया है, एक्यूरियस है। अगर क्रम दिया जाए तो यहाँ पे कोकोरिडियो को पहले दिया जा सकता है, अगर इस क्रम विकल्प के हिसाब से दिया जाए उसके बाद कोलंबिया दूसरे स्थान पर है। कोकोनियो जो है ये 5812 मील का है, इस विकल्प के आधार पर यहाँ क्रम दिया जा सकता है, लेकिन वैसे तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। क्लियर हो गया सबका? किसी के मन में कोई सवाल, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। निम्नलिखित में जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं,
लाइक का बटन नहीं दबा तो लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा करे तब, नहीं तो आपकी मर्जी। पता जल्दी से कमेंट करके सभी लोग। चलिए यहां पे ध्यान देना है, जीव मंडल का जैविक संगठन सही क्रम क्या है। सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, पास की तंत्र, भूदृश्य, मतलब यहां पर सी होगा। माने दो, मतलब एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उसकी जनसंख्या कहा जाता है, दो से अधिक जातियों को मिलाकर समुदाय बनता है, और कई समुदाय को मिलाकर पास की तंत्र मिलता है, और एक निश्चित भू क्षेत्र में उससे अधिक पास की तंत्र पाए जा सकते हैं। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी सही और राइट आंसर है। ठीक, अब बताइए आपके चार विकल्प हैं, इसका उत्तर क्या होगा। बताइए फटाफट कमेंट करके कौन सा है। गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ताइवान ताइपेई, निकारगुआ मानागुआ, मालदीव मालाबो। देखिए यहां पे क्या नहीं सही है, यहाँ पे ध्यान रही है राजधानी, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, निकारगुआ की राजधानी मानागुआ है, लेकिन मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है। इसकी राजधानी क्या है बताइए, माले है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। और मालाबो की राजधानी अगर पूछ लिया जाए कि मालाबो की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है, इक्वेटोरियल गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी है। इसलिए जो गलत है वही आपका सही है, याद रखिएगा। ये राजधानी से है, मैंने गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, ताइवान की राजधानी ताइपेई, और निकारगुआ की राजधानी मानागुआ, मालदीव की राजधानी माले, मतलब एकदम आसान है, क्योंकि माले सबको याद रहता है। इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न में गलती ना होने पाए। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। बोलगा दोन नहर, सॉल्ट सेंटीमारी नहर, गुडविंग्स नहर, सफेद सागर नहर। बताइए, चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए यहां पे लुडविंग्स नहर होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बारे कर दें। ये दक्षिण जर्मनी के जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये लगभग 1987 के दशक में, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेकर लेक सुपीरियर तक एक जहाजी मार्ग का हिस्सा था, और बोलगादो नहर रूस में स्थित है, याद रहे ये रूस में है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ दो मुख्य नदी बोलगा तथा डान आपस में जोड़ती है, बोलगा तथा डान जो नदी है दोनों को आपस में जोड़ देती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। सफेद सागर नहर, देखिए ये भी मैं बता दूं इसके बारे में, ये भी रूस में, ये भी कहाँ पे है, रूस में है, ये भी कहाँ है आपका, रूस में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक सफेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है, मतलब यहां पर हमने आपने देखा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी होगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। 1994, 1995, 1996, 1997। देखिए रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा इतनी संख्या कम क्यों है आपकी। यार लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा 1990
1996 होगा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर? यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज के प्रश्न के जो लेवल हैं थोड़े से कठिन लग रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको भी लग रहे होंगे कठिन ही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए। सभी साथी जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को? जल्दी से जवाब दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर इसी तरह आप मेहनत करते रहे, यकीन मानिए एक सीट आपको जरूर मिलेगी। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहां पर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और ये लोकसभा जीत का सत्ता मानने वाली पार्टी या गठबंधन की जो पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त करने की होती है। संसद के निम्न सदन लोकसभा में अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर अस्थाई, अगर यहां कहा जाए तो क्लाइन में कह सकते हैं अस्थाई स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रस्तावित नाम को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति होती है। इसके बाद लोकसभा का जो अस्थाई अध्यक्ष का चयन सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए यहां पर जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? आपको यहां जवाब देना है कौन सा नहीं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे ये कौन सा नहीं है, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब जरूर दीजिए। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके आप लोग। देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर मैं एक लाइन में बताना चाहूंगा। यहां पे यह एक परामर्शदात्री संस्था, सही बात, क्योंकि यहां पे नहीं पूछा है। वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा साफ दिखेगा। यह फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद के शामिल किया गया है। पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। यह एक संवैधानिक संस्था जी नहीं, यह एक सांविधिक निकाय है, न कि एक संवैधानिक संस्था है। यह क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। एक सांविधिक, लिख लीजिएगा परीक्षा में, सांविधिक निकाय है ये। निकाय है, स्टेटोरी के नाम से इसे जानते हैं। यह न कि संवैधानिक संस्था है। यह गठन राज्यों के बीच अंतर सहयोग समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए यहाँ पे तो कई चीज़ शामिल है, लेकिन आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी संख्या कम हो रही है। अगला है आपके सामने, निम्न में विचार कीजिए, इस समय जो आरंभ होने वाला, मैंने योजना से अगर आपने करंट के नोट्स मेरे पढ़े होंगे, इलानी दुर्गेश पे जो हमने पढ़ाए थे आपको, वहां से आप इस सवाल का जवाब आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना आपको, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त को आई थी 2014, डिजिटल इंडिया जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये 9 मार्च को आया था, दो को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
9 मई, ये अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं गलती हो जाए उसको बता दीजिएगा। मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक योजना कब आई थी? ये 8 अप्रैल 2015 को आई थी, 8 अप्रैल 2015। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, आराम से कालानुक्रम में रखना है, तो क्या होगा इसका? तो यहां पर इसका यही सही है, 1 2 4 3, ठीक है। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है क्या? क्या करती है? केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, केवल ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण श्रमिकों को, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी श्रेणियों के श्रमिकों को, किसको? तो आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। और इस योजना का शुरुआत 1 अप्रैल 2015 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला स्टार्टअप विशेष आवश्यकता को पूरा किया जाता है, दूत निवेशों के माध्यम से, जोखिम मुक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषक के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। स्टार्टअप की विशेषता क्या थी कि दूत निवेशकों को, जो एंगल इन्वेस्टर थे, उनकी जोखिम मुक्त पूंजी, भीड़ वित्त पोषण, इनको माध्यम से पूरा करना। देवबंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत में किस वर्ष शुरू हुआ? मैंने पढ़ाया था, अगर आप लगातार इलेनी भी दुर्गेश पे क्लास पढ़ रहे होंगे, आधुनिक भारत के इतिहास की रीजन, मैंने इसको पढ़ाया है और शायद आप लोग को काफी लोगों को पता भी होगा। सही बता रहे हैं आप लोग, देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मौलाना हुसैन अहमद और अन्य, मौलाना हुसैन अहमद व अन्य भी थे, ये प्रमुख रूप से थे। और यूपी के संयुक्त प्रांत से किसके साथ? दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी 1866 में। किसके साथ हुई थी? दार उल उलूम के साथ, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो लाइक का बटन दबाने के बाद सबसे पहला काम इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। अगला है डायनमो एक युक्ति है कैसी जो परिवर्तित करती किसको? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। चुंबकीय विद्युत प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, माने आप इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? वह आपका सी। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल हो सकता है? जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किससे पीड़ित है? बुलिमा से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया, नर्वोसा, अति अम्लता से, किससे है बताइए? यहां पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बुलिमा से, मतलब बुलिमिया नर्वोसा, इसका पूरा नाम क्या है? बुलिमा नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। इससे ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है, फिर भोजन विधि से बचने के लिए मल त्याग के माध्यम से ग्रहण किए गए भोजन का त्याग करने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन देखता है उसका नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? बताइए सभी लोग।
फास्फोरस 32, ठीक है। रेडियो फास्फोरस का उपयोग लिमेकिया रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 किस लिए किया जाता है कमेंट करके बताइए, कोबाल्ट 60 का उपयोग किस लिए और कहाँ किया जाता है इसका भी जवाब दीजिए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर डेली क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। हाल ही में 2011 के जनगणना संबंधित अतिरिक्त आंकड़े के अनुसार भारत किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है, बौद्ध सिख जैन मुस्लिम बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास है सभी के लिए, देश हित में राष्ट्रहित में। यहां पर सिख, यहां पर अगर देखा जाए 25 अगस्त 2015 को जारी हुई था, इसके अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वो 1000 पुरुषों पर 903 महिला, और बौद्ध की बात की जाए 1000 पुरुषों पर 965 महिला। रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, अगर मुस्लिम की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 940, जैन धर्म है ना, अगर जैन धर्म की बात की जाए तो 940 है, और मुस्लिम में अगर देखा जाए तो 951 है, 1000 पुरुषों पर 951 महिला। ये रट लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। कोबाल्ट 60 के बारे में मैंने इसके पहले सीरीज में पढ़ा दिया था, इसका मतलब आप नए आ रहे हैं डेली नहीं पढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास से घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इन नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है सही जनसंख्या की दर प्रतिशत क्या है, 2001 से लेकर 11 तक 70.64 है, माने यही गलत, और जो गलत है वही आपका सही है। क्या मैं पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किसी व्यक्ति का रक्तचाप ब्लड प्रेशर 140 mmHg है, उसे Hg में क्या मतलब है, mmHg है, इसका Hg का मतलब क्या हुआ। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर देखा जाए मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता ब्लड प्रेशर होता है वो 120-80 होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये नॉर्मल 120-80 होना चाहिए। लेकिन जब कोई डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर नापता है तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140 Hg है, इसका मतलब रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है, किससे है, मरकरी अर्थात पारे से है, याद रखिएगा किससे है, मरकरी अथवा पारे से है। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है और प्राय प्रश्न में ऐसे लोग गलती कर जाते हैं। और यहाँ पूछा है एक दो अंकों वाली संख्या, यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, इसका एक सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 12 है, इसको पलट दिया जाए 21 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 33, ये 41 है, इसमें 14 जोड़े 44। जब किसी संख्या को पलट के जोड़ा जाता है वो सदैव 11 से विभाजित होता है, ये रट लीजिएगा, एक लाइन का इसका उत्तर होता है। जैसे ये है आपका मान लेते हैं 73 है, इसमें 37 जोड़ दीजिए, ये देखेंगे 11 से डिवाइड हो जाएगा, माने किसी भी संख्या को अगर विपरीत करके उसके अंकों का योग करते हैं उसका परिणाम सदैव 11 से विभाजित होता है, ये रट लीजिएगा आप लोग सभी लोग। और घटा देंगे अगर तब तो सदैव 9 से होगा, जैसे यहाँ पे योग किया है यहाँ पे घटा दीजिए, जैसे मान लीजिए ये है 41 में से 14 घटा दीजिए तो किससे होगा 9 से, अंतर 9 से, और योग हमेशा 11 से विभाजित होगा, एकदम रट लीजिए। एक परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो बिना गलती के आप कर लीजिएगा, एकदम हलवा प्रश्न है, ऐसे गणित के ट्रिक में मैंने पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, बाकी आपकी मर्जी।
अगला सवाल है, 6 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 19 वर्ष थी, एक बच्चा पैदा होने के बाद औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? भाई 6 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले क्या थी? 6 सदस्य थे तो 6 × 19 = 114 थी। वर्तमान आयु देखा जाए तब तो 114 थी ही, इसमें कितना बढ़ गया? 6 × 3, भाई 6 लोग की 3-3 साल बड़ी है तो 18 हो जाएगा, 114 + 18 132 साल हो गई। पहले कितनी थी? 132 में से 114 घटा दीजिए, 7 साल कितना आएगा? 14 है 36 18 होगा ना, तो ये 18 हो गया, 18 × 14 132 होगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब परिवार पैदा होने बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब हमें करना क्या है कि 132 में अगर हम बच्चों की संख्या जोड़ देते हैं, माने 132 हो गया, ऐसे देख लेते हैं, 132 हो गया वर्तमान में, अब बच्चा बढ़ गया तो 7 सदस्य हो गए, तो 132 + x हो गया माना नया बच्चा, कुल लोग 7 हो गए और ये कितना हो गए? 19 वर्ष थी। बढ़ी नहीं त्रिका गुणा कर देंगे, 19 × 7 = 133 इधर आएगा, 133 − 132 = x, तो x बराबर 1, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक है, और देखते हैं, एकदम ट्रिकी है पूरा, मतलब ऐसे देखिएगा कि 6 सदस्यों की औसत आयु पहले 19 साल थी, तो 19 × 6 3 साल पहले 114 थी, अब 3 साल बाद सबकी आयु बढ़ जाएगी, 18 साल बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 132 वर्ष अभी हो जाएगा। अब कह रहा है परिवार में एक सदस्य पैदा हो गया, अब संख्या 7 हो गई, तो इसमें x जोड़ देंगे, मैथ नहीं, इसे कहते हैं रीजनिंग का मैथमेटिक्स है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मतलब ये रीजनिंग वाली गणित है, ये केवल प्योर गणित नहीं है, इसे रीजनिंग वाली गणित कहते हैं। देखिए मैंने ट्रिक से लगा दिया, तो ये रीजनिंग वाले में आता है ऐसा प्रश्न। यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा? एकदम आसान, माना पहले उसका आयतन 100 था, 20 बढ़ा दी गई तो 120/100 और पूरे घाते 3 होगा, घन में 3 होगा। ये देखिए, ये इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे होगा? ये लड्डू से लड्डू कट जाएगा, तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 × 12 × 12 × 12 1732 होगा, 10 × 10 × 10 ये 2 लड्डू से कट गया, ये 12 गुड़ा होगा 1728/10 तो हो जाएगा 172.8, 100 से ज़्यादा कम, ज़्यादा कितना ज़्यादा है? 72.8%, तो कितना बढ़ जाएगा? 72.8% की वृद्धि क्या हो जाएगी? 72.8% की वृद्धि होगी। ये रीजनिंग है, लेकिन ये मैथमेटिक्स वाली रीजनिंग है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, अंगणती, अगला सवाल देखिए, अपराह्न 1:10 पर घड़ी के दोनों सुई के बीच में कितने अंश का कोण होगा? ये हो गई घड़ी हमारी, ये हो गया, देखिए हमारी घड़ी है, मान लीजिए 12, 1, 2, 3 है, कह रहा है 1:10 ये है, इनके बीच में कितने अंश का कोण होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके, जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं, इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग। देखिए एक लाइन में हम बताएं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में दो अंकों के बीच में जो कोण होता है वो 30 अंश का होता है, लेकिन जब घंटे की सुई यहाँ तक आई तो इसके बीच में मिनट की सुई क्या करेगी? थोड़ा सा दूरी जो है, जब कभी भी घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे हो तो घंटे मिनट के द्वारा तय की गई कुल मिनट से आधा घटा देते हैं, माने इसमें कितना घटेगा? ये यहाँ तक 10 मिनट है, 10 का आधा 5, इसमें से 5 घट जाएगा तो बचेगा 25 डिग्री। ये सूत्र से भी लगता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका एक सूत्र भी है, सूत्र से भी हम लगा सकते हैं, लेकिन बाद में हम आगे बताएंगे। ये 25 डिग्री है, मैंने एक चैप्टर में पढ़ा दूंगा आपको जल्द ही, जिसका नाम है घड़ी और कैलेंडर, तो आप एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आप तुरंत निकाल लेंगे, माने 3 से 4 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे, किसी भी घड़ी का एंगल आप निकाल लेंगे। अगर आप अभी कोई घड़ी का एंगल पूछेंगे मैं तुरंत आपको बता दूंगा ट्रिक से, और आपको भी वही सीखना है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए चीज़ों को शॉर्ट ऑफ के साथ साथ आगे की तरफ भी बढ़ना होगा। चिल्लाना का फुसफुसाना है तो दौड़ना का क्या होगा? इसे चिल्लाना का अगर विपरीत देखा जाए
धीमी आवाज में फुसफुसाना होगा। दौड़ना चाल तेज है और टहलना क्या होगा, धीरे है, तेज का ही धीरे हो गया। ठीक, क्लियर। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने साथी मित्र तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगला है आपके सामने, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, देखिए रजनी के सवाल ही चल रहे हैं। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उसकी माँ, ध्यान दे, मैं एक चित्र है, इसकी माँ कोई हो गई, यहाँ इसकी माँ, मैं उसकी माँ के पुत्र, इसकी माँ का पुत्र हो गया, इसकी माँ का पुत्र, का इकलौता पुत्र हूँ, का यहाँ पे इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, तो गीता का अर्जुन से कैसा संबंध है बताइए। अरे भैया ये देखिए, ये पिता की बहन हो गई, अब दोनों की माता एक ही है, तो पिता की बहन क्या होगी, बुआ होगी ना, पिता की बहन क्या होगी, बुआ। ठीक, अगला है, छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक व्यक्ति में खड़े हैं, एक व्यक्ति में खड़े हैं, मान लीजिए इस तरह से कह रहा है, एफ और सी के बीच में बी है, एफ और सी मान लेते हैं, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे हम मान लेते हैं सी है, बीच में क्या होगा हमारा, बी हो गया। ई और डी के बीच में ए है, माने ई और डी के बीच में ए है, कहीं भी बैठा देते हैं भाई। डी के बाएं यफ, डी के बाएं यफ माने डी यहाँ पे है, इसके बाएं यफ है, और डी के पहले क्या होगा, ए होगा, ए के बाद यहाँ ई होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है। तब ए और एफ के बीच में कौन है, तब ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है बताइए। देख लीजिए आपके सामने डायग्राम क्रिएट हो गया है, ए और एफ के बीच में कौन है, डी, एकदम सही, डी है। तो समझ में आया सबको, देखिए मैं आज ज़्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ क्लास। चौंतीस नहीं समझ में आया, देखिए मैं 34 समझा दे रहा हूँ भैया। देखिए, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैंने किसी महिला के फोटो की तरफ इशारा करते अर्जुन ने कहा, इसकी माता कोई माइनस हो गई, कि पुत्र, के पुत्र माने इसकी माता का पुत्र हो गया, ये इसकी पुत्री हो गई, ये इसका पुत्र हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गए, का इकलौता पुत्र माने इसका ही पुत्र है, इसका पिता हो गया, और तस्वीर वाली महिला इसकी बहन है, तो पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ ना लगेगी। 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया बताइए। अनिल कुमार चौधरी, ठीक है, अनिल कुमार चौधरी। अगला सवाल है आपके सामने, 4 फरवरी 2021 को 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं बताइए। जब फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, देखिए 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से किया, सही है। इस समारोह के अंदर प्रदेश के 75 जिलों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समारोह कुल शहीदों के 75 परिजनों समाहित किया जाएगा। जी नहीं, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जारी किए लोगों पर लिखा है, क्या लिखा है, स्वरक्त स्वराष्ट्र रचते, सही है, अपने रक्त के बलिदान से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे से सही है, मतलब यहाँ पर ये गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा नहीं कौन सा सही नहीं है। अगला है भैया, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आयोग के संघ के करों को निवल प्राप्तियों का वर्तमान
42% तुलना में 4% हिस्सेदारी राज्य को दिए जाने की सिफारिश की है। ठीक, नवगठित जम्मू और लद्दाख के साथ प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने हेतु संघ करों की निवल प्राप्ति का 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की है। आइए बताइए इसका क्या होगा। रुक जाइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। क्या होगा बताइए, चलिए इसमें ये दोनों असत्य हैं। कैसे? जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें वित्त आयोग कोविड के दौरान 1 अप्रैल से लेकर 2021 से प्रारंभ से लेकर 2021-22 से 25-26 तक की वित्तीय वर्षों को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुपालन में अंतिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखती हैं और सरकार द्वारा मंजूरी सिफारिशों के संघ पर जिनका निवल होता है करो की 42% की तुलना में 41% की हिस्सेदारी राज्यों को शामिल की जाती है। इसमें एक सवाल आया है प्रश्न नंबर 36 का, 1 जनवरी को सोमा, अच्छा हाँ ठीक है सोमा मंडल, ठीक है यहाँ पे देखिए सही सोमा मंडल होगा, सेल माने सेल का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पे SAIL, ठीक है किसी ने बताया देखिए मुझसे गलती हुई थी, हाँ सोमा मंडल होगा। सोमा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया और पहली महिला, इसके पहले ये अनिल कुमार चौधरी थे, इनके जगह ये पद लेंगे। सोमा मंडल सही है, आप लोग सही कर लीजिएगा, सोमा मंडल सही है। जी हाँ ज्योति जी ने सही बताया, सोमा मंडल है। चलिए अगला है, फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? देखिए यह प्रश्न होगा, इसका उत्तर क्या बताइए, तमीम इकबाल, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, देखिए आज थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म करते हैं। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे, सूचकांक में भारत 86वां स्थान प्राप्त हुआ। अब बताइए इसमें क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर ये होगा, इस वर्ष सूचकांक में कुल 180 देशों ने हिस्सा लिया, न्यूजीलैंड डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे, सूचकांक भारत को 86वां स्थान मिला, सही है। ठीक, भारत का स्कोर 40 रहा, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा, सॉरी। यहाँ पे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज होगा, माने यहाँ पे इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, इसी के साथ आज हम सीरीज खत्म समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट समझ अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद साहब सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। आप लोग टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जितने साथी भी नहीं जुड़े हैं और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर आपकी संख्या इसी तरह रहेगी तो मुझे मजबूरन क्लास बंद करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत से प्रश्न बैंक तैयार किया जाए और आपकी संख्या धीरे धीरे नदारद होती रही है और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया उनको थैंक यू, क्योंकि उन्हीं लोग की वजह से क्लास चल पाती है और मैं डेली आपको समय से लाइव आ पाता हूँ। ऐसे भी मतलब बुखार सा लग रहा है और हिम्मत नहीं पड़ रही पढ़ाने की, फिर भी मैंने आपकी रेगुलरिटी थी, क्लास छूटने ना पाए उसके लिए मैं लाइव आ गया, मैं नहीं चाहता था कि आपकी क्लास छूटे कभी, तो बुखार जैसा लग रहा है पूरे शरीर में, तो मैं चाहता हूँ कि आज आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त की जाए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन सभी क्लास की जो लिंक है टेलीग्राम पर मिलेगी और आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के जो घोड़े होते हैं हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस आपके सेलेक्शन से है। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं, आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। ठीक है,
और मेरी तबीयत नहीं सही, लेकिन मुझे लगा कि आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी, सामने आपकी परीक्षा है और आपके करियर से बढ़कर ये थोड़ा बहुत चलता है इतना, लेकिन आपके करियर जो है, जो आपका करियर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाय बाय।